संस्कृत मंत्र भारतीय परंपरा के एगो खास हिस्सा है। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में एकर विशेष महत्व बाते। बकिर का आप लोग जाने लजा कि ई मंत्र के पाछे एगो साइंटिफिक का कनेक्शन बाते। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। आज हम भी बात करब जा संस्कृत मंत्र के पाछे कौन विज्ञान बाते, द साइंस बिहाइंड संस्कृत मंत्रास। संस्कृत मंत्र से हमनी के जीव और कपार पर कौन प्रभाव के असर करेला। मंत्र शब्द के एगो ग्रुप माने की समूह है, जेकर विशेष मौके पर उच्चारण करल जाला। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख बजा तब मंत्र में ध्वनि माने की साउंड रहेला, और ध्वनि ऊर्जा माने की एनर्जी के एगो रूप है। विज्ञान के यही अवधारणा के अनुसार हमनी के देह में भी एनर्जी के एगो बहुत ही कॉम्प्लेक्स संग्रह बाते। अब ऐसे देने में एगो सिस्टेमैटिक फ्रीक्वेंसी पर मंत्रोच्चारण के दौरान ई ध्वनि हमनी के देह आर हमनी के भीरी से दूसर एनर्जी के प्रभावित करेला। का आप लोग ई जाने लजा कि इंसान और यूनिवर्स माने ब्रह्मांड एक दूसर से संबंध रखेला। जी हाँ, चरक संहिता में ई बोलल गल बाती, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। माने जैसन इंसान बाते उसने वे ब्रह्मांड भी बाते। आधुनिक ज्ञान के अनुसार मैन इज एपिटम ऑफ द यूनिवर्स। हमनी के कपार में जुन 1 करोड़ से जस्ती न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर बाते, यूनिवर्स के स्टार आर गैलेक्सी नियनवे बाते। जुन फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में पैदा हुएला और इसने वे फ्रीक्वेंसी हमनी के दिमाग में भी जन्म लेवेला, जेकरा हमनी ब्रेन वेव्स बोलीला सा। है ये ब्रेन वेव्स ई तय करेला कि हमनी कौन तरह के इंसान है सा, हमनी कितना बुद्धिमान है जा, आर कॉन्शियस लेवल माने चेतना के स्तर कितना बाते। एगो जना 5 प्रकार के ब्रेन वेव्स पैदा करेला, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। बीटा की स्थिति में हमनी के दिमाग में प्रति मिनट में 48 से 60 विचार आवेला। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एक दिन में एगो आदमी के कपार में लगभग 60 से 80 हजार विचार आवेला। इमें आपके सूते के बेरा भी शामिल रहेला, कहे कि सूते बखत विचार तनिकुन कमती हो जाला। तो ई बात की पुष्टि होवेला कि ज्यादातर समय इंसान के दिमाग बेटा स्थिति में रहेला। यही खातिर उतना विचार जब हमनी के कपार में आवेला तो हमनी निमन से कंसंट्रेट नहीं सकेला जा करे। जब हमनी के दिमाग अल्फा स्टेट में रहेला तो 1 मिनट में लगभग 30 गो विचार आवेला। थेटा स्थिति में 15 विचार 21 मिनट में, डेल्टा स्टेट में 10, माने सूते बखत भी डेल्टा स्टेट में विचार आते रहेला। यही खातिर ई बोलल जाला कि ध्यान माने मेडिटेशन से ही हमनी के दिमाग के विचार शून्य माने जीरो आइडिया सक बजा कहे। यही खातिर योगी लोग बोले रहलन जा कि निर्विचार में ही ईश्वर बसेलन। अगर आप अल्फा ब्रेन वेव्स के स्थिति में आवे के सिखत वजह तो आपके दिमाग में 70,000 होला विचार घट की 30 से 35,000 विचार आए। एकर से आपके दिमाग में आर जस्ती शक्ति आए। ऐसन बखत में आप जब जुन कान करब तो आपके दिमाग ढेर शक्ति आर ऊर्जा लगा दे, काहे कि ओकर रिजल्ट वे देख के आप खुद हैरान हो जाइब। आपके दिमाग शांत हो जाए, क्रिएटिव आइडियाज उभर के सामने आए। संस्कृत में एगो श्लोक बाते, वेदो अखिलो धर्म मूलम, माने वेद ही सब धर्म के आधार हवन। हैजा पर धर्म के मतलब है नेचुरल लॉ। अनंता वै वेदा, माने वेद के कोनो भी अंत नहीं बाते। चलो अब हमनी बात करब जा गामा ब्रेन वेव्स के बारे में। गामा ब्रेन वेव्स के जीनियस ब्रेन वेव्स भी बोलल जाला। ऐसन मन स्थिति में हमनी सुपर कॉन्शियसनेस में जाएला जा, काहे कि गामा स्टेट में मेडिटेशन की करला से हमनी के दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज हो जाला।
तो ऐसे बखत में गामा ब्रेन वेव्स पैदा करेला। एकर से हमनी के देह के लुव चक्र के एनर्जी हमनी के कपार में आ जाला। एकर से हमनी के पिनियल ग्लान एक्टिव हो जाला। पिनियल ग्लान एगो शक्तिशाली केमिकल डीएमटी माने डीमिथाइल ट्राइपेप्टाइड रिलीज करेला। ऐसन वक्त में हमनी के दिमाग एक दूसर स्टेट में चल जाला। ये मानल जाला कि मंत्र के नियमित जाप के करला से हमनी के देह के नर्वस सिस्टम में एगो रिदम में दबाव माने कि प्रेशर पैदा होवेला, जहां पर ही हमनी के शरीर के चक्र जाग जाला। एकर से हमनी के देह आर कपार में एनर्जी सर्कुलेट होवेला। नासा के बगल से करल गल एगो साइंटिफिक रिसर्च के तहत सूर्य से निकले होला ध्वनि के रिकॉर्ड करके ओकरा कंप्रेस करल गल, जे में ओकरा सुने के लायक बनावल गल बाते। हये ध्वनि के जब सुनावल गल बाते त ओम के उच्चारण जैसन रहल। सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम ह। ओम से ही हमनी एगो मंत्र के संगे हमनी शुरू करेला सा। ओम मूलाधार चक्र से शुरू होके तब दिमाग के अंतिम चक्र माने सहस्त्र चक्र ले ओम के ध्वनि हो जा जाला। एकर से ओम के उच्चारण के करला से हमनी के देह के सब चक्र खुल जाला। ऊर्जा भी दिमाग के ओर बढ़ेला। यही खातिर ओम मंत्र सशक्त रहेला। एकर संगे संगे गायत्री मंत्र में भी एगो अद्भुत शक्ति रहेला। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक लोग के बगल से भी शोध के माध्यम से ओम के चमत्कारिक प्रभाव के पुष्टि करल गल। प्रोफेसर मॉर्गन अपन रिसर्च में ओम जाप के लेके दिल और दिमाग के रोगी खातिर एगो निमन असरदायी कारक बतैलन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हर्बर्ट बेंसन लंबे समय ले रिसर्च करके ओम के वैज्ञानिकता माने के ओकर साइंस पर जस्ती प्रकाश दलन। ओम के जाप के करला से हमनी के देह में जुन विषैला पदार्थ बाते उ निकल जाला। हमनी के वोकल कोड और गला से जुड़ल मसल्स भी आर जस्ती मजबूत हो जाला। टाइफॉइड जैसन बीमारी से दूर सक बजा रहे और रक्तचाप भी कंट्रोल में रहेला। एकर संगे संगे गायत्री मंत्र भी बहुते वैज्ञानिक बाते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आधुनिक विज्ञान के अनुसार गायत्री मंत्र के उच्चारण से मनुष्य में ढेर गो सकारात्मक परिवर्तन आवेला। जोन आदमी के दिमाग में निगेटिव विचार रहेला, त जब आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र के उच्चारण करब त सकारात्मक ऊर्जा माने कि पॉजिटिव एनर्जी पैदा होवेला। माने निगेटिव वाइब्रेशन से निकल के पॉजिटिव वाइब्रेशन में सकी बदल जाए। जोन ऋषिगण मंत्र के बनले हवन जा उ लोगन के हमनी मंत्र दृष्टा बुलीला सा। ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के दृष्टा रहलन। डॉक्टर हॉवर्ड स्टैंजरिल अपन एक्सपेरिमेंट में ई दिखैलन कि गायत्री मंत्र के सही उच्चारण करे के बाद प्रति सेकंड में 1,10,000 शांतिपूर्ण ध्वनि के पैदा करेला। ओहियो यूनिवर्सिटी के एगो साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार ई भी साबित होल बाते कि ध्यान माने कि मेडिटेशन से व्यक्ति के इम्यून सिस्टम माने प्रतिरोधात्मक शक्ति आर जस्ती मजबूत हो जाला। वेद में मंत्रोच्चारण के संगे संगे ध्यान लगावे के बात भी करल गल बाते। स्टडी के अनुसार ई बतावल गल बाते कि हमनी के कपार के एक प्रकार के खास आरामदायक स्थिति मिलेला, जेकरा साइंटिफिक लैंग्वेज में अल्फा स्टेट बोलल जाला। ध्वनि ऊर्जा एक प्रकार के तरंग रहेला। अब ई में आर कई गो तरंग बाते जेकरा नहीं सकब जा सुने बकेर ओकर प्रभाव सकब जा महसूस करे। सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड टेक्निक इही के नतीजा हवन। अगर मंत्र के शाब्दिक अर्थ पर बात करब जा त मन माने कि मस्तिष्क हमनी के कपार, आर तरा के मतलब है तरंग या फिर कंपन
मंत्रोच्चारण करते बखत श्वास प्रक्रिया के जरिए हमनी के देह में एगो विशेष कंपन होवेला, जहां पर ही हमनी के ग्रंथि माने कि ग्लांद पर खासा असर करेला। अब मंत्रोच्चारण के बखत सेरोथोनिन और डोपामिन जैसन हार्मोन्स हमनी के देह से रिलीज होवेला। इसे हमनी के कपार और देह दोनों पर पॉजिटिव इफेक्ट माने कि सकारात्मक प्रभाव करेला। ऐसन बखत में हमनी के खुशी मिलेला। मेमोरी याददाश्त एकर महत्व का है, आर ई पर कैसे करब जा नियंत्रण, पुरनका काल के गुरु ई सब जानत हलन जा। ह्यूमन ब्रेन मानव के दिमाग के असीम शक्ति के उदाहरण हमनी के उ तकनीक में मिलेला, जिमें प्राचीन ग्रंथ के पढ़ल जाथरल, वेद ग्रंथ के पीढ़ी दर पीढ़ी बोल के सिखावल जाथरल, बकिर ओकर बाद माने कि 1500 से 1200 BCE के अवधि में लिखल गर रहल। पहले तक गुरु अपन शिष्य के श्रुति और स्मृति माने लिसनिंग एंड मेमोराइजिंग के अनोखा तकनीक के प्रयोग करके है सब ग्रंथ के सिखावल जाथरल। ऋग्वेद जो कि सबसे पुरनका वेद बाती, इमें 10,600 मंत्र बिना लिखे उ बखत उ लोग कैसे याद करत हलन जा। पुरन का गुरु स्मृति खातिर कई गो फॉर्मूला के बनेली रहलन जा, जहां पर हजार मंत्र के याद रखे के लैका लोगन खातिर बहुत ही आसान होगा रहल। वेद के लंबा मंत्र के छोटका छोटका हिस्सा में तुड़ तुड़ के रखत हलन जा, जेकरा शब्द बुलल जात रहल। उदाहरण के रूप में हई मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हय मंत्र के क्रम पाठ फॉर्मूला से एकरा सगबजा सीखे, ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेव वासुदेव नमः। जैसे कि देखत हो जा कि पहले और अंतिम शब्द के नहीं दोहरावल गल बाती, बकिर सब एकर बाद जितना जो शब्द बाते उ फिनो से दोहरावल गल बाती, माने हई क्रम पाठ में फॉर्मूला छिपल बाती। क्रम पाठ के अलावा वेद के याद करे के आर नौ गो फॉर्मूला बाती, मंत्र के जाप के पीछे एगो खास साइंस बाती। मंत्र के ऐसने वे जपावल जाला जेमें याद होवे के जस्ती आसानी से मिल जाए। बकिर एगो और चीज रहेला ई मंत्र के याद करे के जहां पर ही आसान हो जाला, यह मेडिटेशन माने कि ध्यान। अगर आप लगातार मेडिटेशन करब तो 2-3 महीना में ओकर असर माने कि इफेक्ट सकबजा देखे। ध्यान के करला से दिमाग में खून के सर्कुलेशन आर निमते से होवेला, रक्त में पावल जाए होला सेरोटोनिन के स्तर भी बढ़ जाला, जे एगो शक्तिशाली न्यूरो ट्रांसमीटर है और मूड के रेगुलेट करे के भी उक्का में आवेला। सदियों से ई अनोखे अंदाज में ई प्रकार से मंत्र सीखे के फॉर्मूला अपनावल जाला, जेमे मेमोरी के आर बढ़िया बनावल गल बाती। तो आज मंत्र से जुड़ल वैज्ञानिक तथ्य जाने के मौका मिलल बाटे। मंत्र के उच्चारण करे बखत हमनी के देह में कौन कौन प्रकार के फायदा मिलेगा, आज इस सब के ज्ञान के हासिल करे के मौका मिलल बाटे। अवर बुक के एगो ऐसन दिलचस्प और ज्ञान वर्धक विषय लेके अवर जा तबले अभी के बगल से सबको नमस्ते और प्रणाम।